हेलो गाइस, वेलकम टू एससी गेट पीसी शॉर्ट लेक्चर प्रेजेंटेड बाय अभिविद्या मेन एजुकेशन। ये जनरल एप्टीट्यूड सीरीज का नेक्स्ट पार्ट है। इस सीरीज में हम लोग गेट, इंजीनियरिंग सर्विस या किसी पब्लिक सेक्टर में आए हुए प्रीवियस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आज हमने जो क्वेश्चन लिया है ये परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन पर बेस्ड है और ये गेट 2019 इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच में आया था और ये लास्ट क्लास में मैंने होमवर्क दिया था। बहुत लोग को आंसर कमेंट करके बताएं और सही आंसर निकाले हैं और ये ईजी क्वेश्चन है, ये एकदम ईजी क्वेश्चन है, इसको आपको स्किप नहीं कर सकते हैं। और परम्यूटेशन कम्बिनेशन का टॉपिक बेस्ड है और ये 1 मार्क्स में आया था, 1 मार्क्स में इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच में आया था, ठीक है। अब परम्यूटेशन जो कम्बिनेशन है ये जो है कि 5 स्टार टॉपिक है, अगर आप इंजीनियरिंग गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, ठीक है, 5 स्टार टॉपिक है। हर साल 2-3 क्वेश्चन हमेशा आते हैं किसी न किसी ब्रांच में, ये फिक्स है कि दो तीन क्वेश्चन हमेशा आते हैं, ठीक है। तो परम्यूटेशन और कम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं सीरियसली तो परम्यूटेशन और कम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखना होगा आपको, क्योंकि इसका जो है मैथमेटिक्स में भी हेल्प मिलता है, तो इसको स्किप नहीं करना है। इसके 2 फायदे हैं, इसको आप जब समझते हो तो एक तो इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया एप्टीट्यूड में, या फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं मैथ में भी, इंजीनियरिंग मैथ में भी आते हैं जो प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड होते हैं, तो वहाँ भी परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन अप्लाई करते हैं। तो परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन आपके एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और हमारे एग्जाम में देखो परम्यूटेशन कम्बिनेशन बहुत सारे टफ भी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, लेकिन अभी तक जितने भी गेट में क्वेश्चन आए हैं अभी तक कम से कम 10 या 15 क्वेश्चन आ चुके हैं गेट के एग्जाम में, जो कि जो एप्टीट्यूड सेक्शन की बात कर रहा हूँ, ना कि मैं कि मैथ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बात कर, एप्टीट्यूड सेक्शन में 10 से 15 क्वेश्चन आ चुके हैं। और वो जो क्वेश्चन होते हैं एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, मतलब बेसिक परम्यूटेशन कम्बिनेशन का आपको आइडिया क्लियर है तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, टफ नहीं आता है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, परम्यूटेशन कम्बिनेशन आप कहीं से पढ़ लीजिए एकदम बेसिक, ठीक है, और आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसमें देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। 5 डिफरेंट बुक्स, और बुक्स का नाम दिया हुआ PQRSNT आर टू बी अरेंज ऑन ए सेल्फ। एक अलमीरा है जिसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, एक सेल्फ है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, 5 बुक को अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। कुछ कंडीशन दिया होगा, देखते हैं आगे क्या दिया है। द बुक्स आर एंड एस, आर और एस बुक्स आर टू बी अरेंज फर्स्ट एंड सेकेंड रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द सेल्फ। राइट साइड सेल्फ से क्या होता है वो, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे SHELF होगा सेल्फ, ठीक है। द नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर इन विच PQ एंड T मे बी अरेंज, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं लेमैन लैंग्वेज में आपको एकदम समझाता हूँ इजी तरीके से। देखो क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन आता है आपको सॉल्व करने के एप्टीट्यूड का, तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को समझना होता है कि क्या दिया हुआ। अगर परम्यूटेशन कमीशन टॉपिक का बेस्ड है, अगर क्वेश्चन को समझ गए तो 80% क्वेश्चन तो वहीं सॉल्व हो गया, क्योंकि जो समझने का ही जो टास्क है ना परम्यूटेशन कमीशन, वो सबसे टफ है। जो जो क्वेश्चन को समझ गया क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेगा, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में आपको समझाता हूँ क्या क्या दिया हुआ है। बोला गया एक सेल्फ है, तो मान लेते हैं कि एक सेल्फ है ऐसे, ठीक है। अब सेल्फ में कुछ बुक रखी है, कितनी बुक रखी है, 5 बुक्स रखी गई हैं, ठीक है, 5 बुक्स है। और ये बुक्स क्या है, PQRST ये दिया हुआ है हमारे पास। अब बोला है कि सेल्फ के राइट साइड से, ठीक है। तो देखो कभी भी आपको एज्यूम ये करना है, कभी भी आप राइट और लेफ्ट का कभी भी आपको दिया है एग्जाम में, तो आपको मानना है इधर राइट, इधर आपको मानना है राइट कभी भी एग्जाम में दिया हो, ठीक है, और इधर मानना है आपको लेफ्ट, ठीक है। अगर एग्जाम में कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो आपको ये राइट लेना है, ये लेफ्ट लेना हमेशा, ठीक है, बाय डिफॉल्ट, ठीक है, हमेशा याद रखेंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कहीं भी किसी क्वेश्चन में राइट लेफ्ट दिया और कुछ भी नहीं दिया हुआ तो आप अपने आप राइट इधर से एज्यूम करेंगे और लेफ्ट इधर से एज्यूम करेंगे, ठीक है। अब क्या बोला गया है कि द बुक्स आर एंड एस आर बी अरेंज फर्स्ट एंड सेकेंड फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द सेल्फ। तो फर्स्ट पोजिशन पर कौन है, आर है, तो राइट साइड से फर्स्ट पोजीशन पे आर आ गया, ठीक है, ये फिक्स हो गया। फिर उसके जस्ट सेकेंड पोजीशन पे कौन आ गया, एस आ गया, यहाँ पे 2 बुकें आ गई, ऐसे कंप्लीट हो गया, इनका पोजीशन फिक्स है, ठीक है। बाकी कितनी बची, तो एस हमने ले लिया, तो एस ले लिया हमने, आर ले लिया, बचे कौन, PQT। और क्या बोला गया आगे कि नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर इन विच PQT मे बी अरेंज, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग PQT को मेरे अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात है बच्चों कि पूछा गया कि इन तीनों को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है, मे बी अरेंज, नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर इन विच PQT मे बी अरेंज, इन तीनों को पूछा गया है। तो दो तो ये फिक्स हैं कि ये फिक्स हैं, इनका पोजीशन चेंज नहीं हो सकता, लेकिन ये नॉट फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड नहीं है, तो इनका पोजीशन चेंज हो सकता है। अब तीन चीज़ें हैं, आप एक तरह सोचो कि तीन, कोई भी तीन थिंग है, ठीक है,
उनको आपस में रिअरेंज करना है, तो जितनी चीज़ें रहती हैं उनका फैक्टोरियल हो जाता है, ये लीनियर परम्यूटेशन है, ठीक है। तो यहाँ से फैक्टोरियल 3 तरीके से हो जाएगा। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होता है? 6। तो इसको 6 तरीके से क्या कर सकते हैं, हम अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगर आप बना के देखना चाहते हैं तो बना के देख सकते हैं, ठीक है। देखो कैसे, एक पहले पी को यहाँ रख सकते हैं, फिर क्यू को, टी को यहाँ रख सकते हैं, फिर पी को यहाँ, फिर टी को यहाँ, फिर क्यू को यहाँ, या फिर क्यू को यहाँ रख सकते थे, पी और टी को यहाँ रख सकते थे, फिर क्यू को यहाँ, टी और पी को यहाँ रख सकते थे, फिर उसी तरह टी को यहाँ रख सकते थे, पी को यहाँ रख सकते थे, क्यू को यहाँ रख सकते थे, टी को यहाँ रख सकते थे, क्यू को यहाँ, फिर पी को। ये टोटल 6 कॉम्बिनेशन आपके बन जाएंगे, ठीक है। तो ये नंबर छोटा है तो हमने बना लिया। आप ऐसे याद रखो कि अगर एन थिंग्स है, ठीक है, और उनका लीनियर अरेंजमेंट करते हैं, लीनियर अरेंजमेंट कर रहे हैं, मतलब ये हो गया कि एन थिंग्स है, एन प्लेस है, और उनका लीनियर अरेंजमेंट अगर आप कर रहे हैं तो फैक्टोरियल एन तरीके से होता है, फैक्टोरियल एन वे से होगा, ठीक है। यहाँ पे 3 बुक्स हैं और 3 प्लेस है, तो इनको कितने तरीके से कर सकते हैं? फैक्टोरियल 3। तो याद रखेंगे ये एक फार्मूला होता है लीनियर अरेंजमेंट का, ठीक है। अगर एन थिंग्स है, लीनियर अरेंजमेंट करना है, तो फैक्टोरियल एन वे से होता है, ठीक है। यही सर्कुलर, अगर सर्कुलर अरेंजमेंट होता है तो एन माइनस वन फैक्टोरियल से होता है, सर्कुलर में एन माइनस वन फैक्टोरियल होता है, ये भी याद रखेंगे साथ में। इन पे बेस्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको स्किप नहीं करना है, ये अभी तक 10 to 15 क्वेश्चन आ चुके हैं गेट में, और बहुत ही ईजी आते हैं। देखो ये क्वेश्चन कितना आसान था, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर था, आप इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये 1 मार्क्स आपको एकदम मतलब फ्री में मिल रहा है, मतलब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अगर आप स्किप कर रहे हो तो आपका रैंक बहुत ही पीछे हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को सब लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। जो अच्छे बच्चे होते हो तो 100% सॉल्व करते ही करते हैं, तो आपको कंपटीशन से बाहर आ जाओगे अगर ऐसे क्वेश्चन को स्किप करते हो तो। ये क्वेश्चन होमवर्क है, ठीक है। ये टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पे बेस्ड है, और ये गेट 2019 कंप्यूटर साइंस में आया था, और ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, ईजी, वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। सबको इस क्वेश्चन का आंसर निकालना और कमेंट करके बताना है, ठीक है। आपको क्वेश्चन को पढ़ना और सॉल्व करके कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। और हाँ, अभी तक हमारे फेसबुक पेज से नहीं जुड़े तो फेसबुक पेज से जुड़ जाइए, फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और हमने टेलीग्राम पे एक नया चैनल क्रिएट किया है, उस चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, और फेसबुक पेज का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप सारे जगह कनेक्ट हो जाएंगे तो आपको अच्छा रहेगा, ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड होता है तो आप तक कहीं ना कहीं से मैसेज आपके पास कन्वे हो जाएगा, ठीक है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।